समन्वय है जो वो सोचते हैं, जो वो फैलाते हैं, जो वो कहते हैं, जो वो समाज को सोचने पर मजबूर करते हैं। वो ये कहते हैं कि अनाज का एक दाना जब मिट्टी में जाता है और उसके बाद ही उस दाने से जो हजारों दाने निकलते हैं, निखरते हैं, तो एक आह्लादित हम हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। और उससे वैसे ही भारत को कार्यशील नेताओं की जरूरत है, वैसे ही हजारों दाने जब लहलहाएंगे, चहकचहाएंगे, तभी एक सुगंधित, स्ट्रॉन्ग, यूनिफाइड भारत का निर्माण होगा। यही है विचार हमारे प्रिय अन्ना हजारे जी के। तो आइए हम ये स्पेशल प्रोग्राम पोस्टर अनवीलिंग सेरेमनी की शुरुआत करते हैं द राइस पिक्चर्स लिमिटेड कंपनी के हम प्रोड्यूसर श्री मनिंदर जैन जी से आग्रह करेंगे कि प्लीज कम ऑन द स्टेज, प्लीज वेलकम हिम विद बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, एंड द डायरेक्टर मिस्टर शशांक उदापुरकर जी, डायरेक्टर, राइटर एंड एक्टर, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। और वो शख्स जो शख्स नहीं है, शख्सियत है, क्योंकि जो सोच वो समाज को एकता के सूत्र में, जैसा कि पहले ही मैंने कहा, पिरोता है, वो शख्सियत बन जाता है। वो सोच एक आम आदमी की सोच बन जाती है, चाहे वो अकेले हो, चाहे वो समाज उनके साथ हो। जैसे कि इस पोस्टर में है कि वो अकेले ही है, लेकिन उनका पैशन देखकर, उनका काम देखकर, पूरा समाज, पूरा देश, यहां तक कि पूरा ब्रह्मांड, द होल वर्ल्ड इज विद हिम। हम बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहेंगे सम्माननीय, आदरणीय किशन बाबू राव हजारे जी, यानी अन्ना हजारे जी को। यस, वी कैन गिव हिम अ स्टैंडिंग ओवेशन। आज हमारे पोस्टर रिवीलिंग सेरेमनी के लिए हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं हमारे आदरणीय अन्ना हजारे जी। प्लीज यहां बैठिए। और अब हम स्वागत करना चाहेंगे पुष्प गुट से। मैं हमारे प्रोड्यूसर साहब मनिंदर जैन जी से गुजारिश करूंगी और संपूर्ण जैन परिवार की, प्लीज कम ऑन द डायस और आशीर्वाद लें महकते हुए पुष्पगुच्छ पेश करते हुए। दिव्या जैन जी प्लीज मंच पर आ जाइए। अलका जैन जी, अखिलेश जैन जी, आयुष्मान जैन, उदित जैन, ये सम्मान और आशीर्वाद हमें वो देंगे, शब्दों से महकते हुए फूल पेश करेंगे। आदरणीय दिव्या जैन जी, हमारे प्रिय दादू की धर्मपत्नी, अखिलेश जैन जी, ये प्रोडक्शन हाउस है जो सब चीज मिलजुल कर करता है, आयुष्मान जैन, एंड नाउ एट दिस जंक्चर आप आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद बहकते हुए फूल लेकर आशीर्वाद पाए आदरणीय अन्ना जी का। हम पुष्प कुछ पेश करना चाहेंगे हमारे डायरेक्टर साहब। And now at this juncture, ladies and gentlemen, may I also call upon the team of the film. May I request Tanisha Mukherjee to please come on the dais. Can we give her a big round of applause? She's playing the reporter in the film. Sharath Saxena ji. Oh.
Govind Namdev is also playing a very important role, but I think he's not here. He's busy in some other assignments. Dayashankar Pandey, जो बहुत ही अहम किरदार निभा रहे हैं इस फिल्म में. शरद सक्सेना जी जो एक मिलिट्री अफसर का किरदार निभा रहे हैं. आइए अश्विनी गिरी. अश्विनी गिरी इज प्लेइंग द मदर्स रोल. इशिया आ जाइए प्लीज मंच पे. प्रसन्ना काटकर जो एक दोस्त का किरदार निभा रहे हैं. नहीं है. गिरीश परदेसी जी. अजय तपकीरे. द एंटायर क्रू प्लीज बी रेडी टू कम ऑन द डाइस. यस प्लीज कम. प्लीज कम सभी जिन्होंने पर्दे पर किरदार निभाया है. यही एक मौका है आपको आशीर्वाद पाने का, मंच पर आने का, अन्ना जी के साथ मंच शेयर करने का. सो प्लीज कम ऑन द डाइस एंड वील बी रेडी फॉर द टेक्निकल टीम ऑल्सो. मैं रिक्वेस्ट देम टू कम. First of all, I would like to request Mr. Atmanand, who has designed the poster and publicity design. The cameraman, Suresh Deshmane, please come on the dais. Editor, Sanjay Sankla. Anirudh Gaikwad, who is also the co-producer. Then Anil Watt, the art director. And I would like to also take the name of our makeup man, Mr. Vikram Gaikwad, who has so beautifully decked up our actor, director and writer, Shashank Udapurkar. Hum chahenge sabhi ka samman ho pushpagush dete hue aur uske baad. Yes, a big round of applause for their entire team, ladies and gentlemen. Shashank ji, have I left any other name to be invited? Please come on the, please come, take a center stage, please. Sanjay Sankla ji, who has edited the film so wonderfully. And now, ladies and gentlemen, the moment that we have been waiting for. Wahi ek ghadi hai, jiska intezaar आदरणीय अन्ना हजारे जी के हाथों हम आशीर्वाद पाना चाहेंगे. द अनवीलिंग ऑफ द पोस्टर, द फर्स्ट पोस्टर. आइए अन्ना हजारे जी प्लीज यहां आ जाइए. आदरणीय अन्ना जी, कैन वी हैव इट ऑन द, कैन वी हैव इट इन द मिडल सेंटर स्टेज, सेंटर स्टेज. यस यस, वी विल गिव द चांस टू द मीडिया एंड द प्रेस एंड वी विल वेट फॉर द मोमेंट. Tanisha, please come a little forward. Yes. Yes. And now, ladies and gentlemen, please be ready for 1, 2, 3. Bahut zordar taaliyan. It's a rare occasion when a biopic has been made. The person himself is present to give blessings to the film and the entire cast and crew. Okay, we will give you some time for the pictures. Okay, okay, one by one. Sirf Anna ji pehle aur baki baad mein producer, director, artist. The director is requested to direct Anna ji at this juncture. Now the producer and the director is also requested to please come inside the frame. Adarniya Maninder ji, Divya ji, aap bhi yahan pe yahan aaiye please.
एंड हम आपको बताना चाहेंगे कि इस फिल्म का म्यूजिक और संगीत और गाने लिखे हैं हमारे प्रिय दादू रविंद्र जैन जी ने. वो आज हमारे बीच नहीं है मगर उनका आशीर्वाद ऊपर से बरस रहा है हम सब पर. And now for the big poster once again, so beautifully designed and littered by Mr. Atmanand Mandeep Desai. ये ऐसा बहुत ही विरले मौका मिलता है जब स्वयं पर बायोपिक बनी हो और उसकी पोस्टर की अनवीलिंग सेरेमनी में वो शख्सियत खुद हाजिर है. ओके, आर वी डन? डायरेक्टर साहब जब तक कट नहीं बोलेंगे मैं सबको कट. ओके ओके, थैंक यू. Are we done? The media and the press, have you got what you want? Okay. Anna to hai subject chahiye. We would welcome Mr. Sunil Pal, who is here amongst us. Thank you, all the artists, technical crew. Please take your seat so we can go ahead with our program. Thank you so much. हालांकि मैं भी बहुत समाज सेवा करता हूं, कई संस्थाओं का अध्यक्ष हूं मैं भी. मेरे मन में भी धर्म और समाज की बात रहती थी, लेकिन यहां मुझको सौभाग्य मिला कि मुझे देश के लिए भी सेवा करने का मौका मिला. कोई मंदिर बनाता है, कोई हॉस्पिटल बनाता है, मैंने सोचा मैं ऐसी फिल्म बनाऊं जिससे हमारे देश के लोगों को, हमारे युवाओं को एक नई दिशा मिले. और वही एक चीज मुझको अन्ना जी का आशीर्वाद मिला और मैंने इस फिल्म की शुरुआत की. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत शुक्रिया. भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना, सत्य पर चलने का जो सपना अन्ना जी देख रहे हैं उसे बड़े पर्दे पर आत्मसात करने की कोशिश की है मनिंदर जैन साहब ने, आपका शुक्रिया. और हमारे जो यंग डायनामिक राइटर डायरेक्टर एक्टर, मैं तो ये सोच रही थी कि कोई सफेद बाल वाला होगा, अधेड़ उम्र का होगा जो किरदार निभा रहा होगा, बट आई वॉज रियली सरप्राइज टू सी हिम एंड इक्वली सरप्राइज फॉर हिज पैशन द वे ही हैज स्क्रिप्टेड इट. एंड आई बिलीव यू हैव स्टडीड रेड द entire history about Anna ji and 7 times आपने script को correct किया और उसके बाद ये बनाने की चेष्टा की है. And let me tell you ladies and gentlemen, इन्होंने I think he's become the masters of biopic because इससे पहले इन्होंने शंबाजी राजे पर भी biopic बनाई है. So your thoughts on this occasion? Please welcome with a big round of applause Shashank Udapurkar. Thank you itne bade shabdon ke liye. Actor hu, writer hu, lekin ye manchon ka abhi tak aadi nahi hua hu. To sabse pehle main aadarniya Anna ji ka hamari team ki taraf se bahut hi tahe dil se satkar karta hu. Aap aaye, hame aapne jo aashirwad diya hai ye hum shabdon mein bayan nahi kar sakte Anna ji. Dosto, कोई भी महफिल आपके बिना भी अधूरी नहीं रहती. आप प्रेस मीडिया फ्रेंड्स सब आशीर्वाद देने आए, हमारी सब टीम की तरफ से मैं आपका भी स्वागत करता हूं. 3.5 साल हो गए अन्ना जी पे फिल्म बनाने का सपना देखा, ऐसा लगता है कल की बात है. कल सोचा था कि
अन्ना जी को रामलीला मैदान में देखा, अन्ना जी के विचार सुने, अन्ना जी के विचार को स्टडी किया, तो सोचा कि इस पर फिल्म बनानी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लोगों तक पहुंचेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। अन्ना जी के पास स्क्रिप्ट लिख के गया तो डरता था कि मतलब अन्ना जी पता नहीं, मतलब अन्ना जी चकाचौंध से दूर रहते हैं, ये सब टेलीविज़न, ये उनको उतना अच्छा नहीं लगता, अन्ना जी कैसा रिएक्ट करेंगे। दो तीन बार अन्ना जी से मुलाकात भी नहीं हो पाई। तुम्हें आत्मा देवते मैं बाहरचा बाहर जायसो कहीं, खूब गर्दी रालेगढ़ में बहुत भीड़ होती है, तो मैं मिल नहीं पाया। हमारे वहाँ पे शाम मित्र हो गए, शाम से कहा कि मुझे अन्ना जी से मिलना है। अन्ना जी से जब मुलाकात हुई, मैं 5 मिनट का वक्त मांगा तो अन्ना जी ने कहा कि देखिए बहुत अच्छी बात है आप फिल्म बनाना चाहते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप गांधी जी पे फिल्म बनाइए, आप विवेकानंद जी पे फिल्म बनाइए। तो मैंने कहा अन्ना जी ये तो बहुत सही बात है, आप जो कह रहे हैं कि गांधी जी पे फिल्म बनाइए, विवेकानंद जी पे बनाइए, ये बहुत बड़े चरित्र है, लेकिन थोड़ा दोष हमारी पीढ़ी में है, हमारे लिए ये लोग भगवान हैं। लेकिन जब मैं आपको देखता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि एक छोटे से गांव से 7वीं पास आदमी दिल्ली के किसी प्लेटफॉर्म पे पहुँच के हुंकार भरता है भारत माता की जय, और पूरा देश जो आपको जानता भी नहीं शायद, वो आपके पीछे खड़ा हो जाता है। ये ऐसा ही नहीं होता, ये जीवन में इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। और जब सोचा, जब देखा, तो मुझे लगा कि आप पे फिल्म बने तो ये समाज के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मुझे लगता है अन्ना जी को मेरी वही बात अच्छी लगी होगी जो अन्ना जी ने मुझे हाँ कहा कि ये फिल्म समाज के फायदे के लिए होगी। अन्ना जी हमेशा सिर्फ समाज का सोचते हैं। जब तक मैं उनके बारे में बोल रहा था, अन्ना जी मुझे उतना सीरियसली नहीं ले रहे थे। जब मैंने अन्ना जी से कहा कि अन्ना जी ये फिल्म नए पीढ़ी को, समाज को बहुत बड़ा आईना देगी, अन्ना जी ने आशीर्वाद दिया। दोस्तों आजकल बायोपिक बनने का दौर चल पड़ा है, क्योंकि आजकल हमारे घरों से किताब की अलमारी चली गई है, टेलीविज़न ने ले लिया है, हमारा पढ़ने की इच्छा खत्म हो गई है, घर पे माँ दादी की कहानियाँ भी ख़त्म हो गई है, क्योंकि आज की ज़िंदगी की चकाचौंध ने औरतों को इंसान के कंधे से कंधे लगाकर भागने के लिए मजबूर कर दिया है। माँ बच्चों को कहानियाँ नहीं सुनाती, दादी के लिए हमारे घर में जगह नहीं है। अन्ना जी कहते हैं ना कि आजकल शहरों की बिल्डिंगों की ऊंचाई ऊंची 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 होती जा रही, लेकिन लोगों के दिल, लोगों के विचार बहुत छोटे होते जा रहे हैं। इसके वजह से जब जवान होता है आदमी, तो वो उसको हम शॉर्टकट सिखाते हैं, बिकॉज आजकल हर पैरामीटर सक्सेस पे गिना जाता है, आप कितने सक्सेसफुल है वही इसका पैरामीटर है। तो उसके लिए अगर आप कोई भी शॉर्टकट लेते हो, वो भी आज के समाज में, उसमें बुराई नहीं होती। उसी को अन्ना जी कहते हैं कि जीवन में आता खाली हाथ, जीवन से जाता खाली हाथ, लेकिन सारा जीवन मेरा 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 करते रहता। जिस दिन जीवन पता चलता सब कुछ खत्म होने के बाद, तो वक्त निकल चुका होता है। हमारे पास जो अन्ना जी को विचारधारा मिली, गांधी जी, विवेकानंद जी, विनोबा भावे साहब, भगत सिंह, सुखदेव, आज हीरो है, बहुत हीरोज है, लेकिन उनको देखने के हमारे पास वक्त नहीं है, क्योंकि माँ की लोरी नहीं सुनी, परिस्थितियों का सामना नहीं किया, विचारधारा को देखा नहीं। तो हमने पाश्चिमात्य संस्कृति की तरफ देखना शुरू कर दिया कि सक्सेस एट एनी कॉस्ट, सक्सेस एट एनी कॉस्ट के बदले में जब कॉस्ट है उसका रुपया में हम देते नहीं हैं, तो हमको लगता है कि ये सक्सेस हमको मिलानी ही चाहिए। लेकिन दोस्तों सब लोग इस बात को यकीन करेंगे कि जब हम सक्सेस, जो भी हम ड्रीम अचीव करना चाहते हैं, उस सक्सेस के टॉप पे पहुंचते हैं ना, उस दिन हमको पता चलती कि उसकी हमने कीमत क्या खोई है। हमने हमारे दोस्त खोए हैं, हमने हमारे परिवार खोए हैं, हमारे साथी खोए हैं, अपना वक्त खोया है। उस वक्त वो अपने सक्सेस पे वो खुद खुश नहीं होता। इसीलिए अन्ना जी कहते हैं कि अरे जो लखपति करोड़पतियों को नींद नहीं आती है ना, वो नींद मैं अनुभव करता हूँ। क्योंकि अन्ना जी का जो सक्सेस है ना दोस्तों, वो हमारा हिंदुस्तानी सक्सेस है। आज जिस तरह योग को हम बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि योग से जो तंदुरुस्ती मिलती है उसमें बॉडी बिल्डिंग वाली तकलीफ नहीं है। अन्ना जी का जीवन भी हमारा वही है, एज ए राइटर, एज ए डायरेक्टर, एज ए एक्टर। मैं अन्ना जी पे फिल्म बनाने के लिए इसी तैयार हुआ जब मैंने देखा कि अन्ना जी जैसे कि शिवाजी महाराज को जिजाऊ बचपन में सिखाया कि कुछ भी कर, एक मट्टी का किला बना लेकिन उस पर तेरा नाम लिख, वैसे ही अन्ना जी के माँ ने सिखाया
कि जीवन में हमेशा सच बोलना, सच को डरने की कभी ज़रूरत नहीं होती। हमको भी हमारी माँ हमेशा सुनाती थी, हम भूल गए, अन्ना जी ने याद रखा। उस रास्ते पे चलने की वजह से परिस्थितियों में कितनी भी कठिनता आई, अन्ना ने उस विचार को नहीं छोड़ा। विचारधारा पकड़ी तो गांधी जी की पकड़ी, विनोबा भावे जी की पकड़ी। तो ये जो सक्सेस अन्ना जी ने मिलाया है, इस सक्सेस में सुख है, इस सक्सेस में नींद है। दोस्तों, एज ए राइटर एक्टर डायरेक्टर होने की वजह से मुझे बोला गया था 2 मिनट से ज़्यादा मत बोलना। मैं थोड़ा सा वक्त ज़्यादा ले लिया, माफ़ी चाहता हूँ। ये मैं शेयर करना चाहता था, मुझे लगता है आपको ये बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं इस फिल्म से मैं अन्ना जी आंदोलन अनशन ये सब ठीक है, मैं अन्ना जी के थ्रू इस हिंदुस्तान को हमारी सभ्यता की सफलता दिलाना चाहता हूँ, जो सफलता अन्ना जी ने दिलाई है। हमारी अन्ना जी की लाइफ हिंदुस्तान की, आज़ाद हिंदुस्तान की लाइफ है। अन्ना जी की लाइफ हिंदुस्तानी मिट्टी की लाइफ है। उनके जो घरों के सामने आंगन होता था उसमें तुलसी होती थी, उसकी लाइफ है। तो ये जर्नी हम अन्ना जी के थ्रू दिखाना चाहते हैं कि हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो विचार है, हमारे पास जो जितना खजाना है, उस पे हम देखेंगे तो हमें सफलता मिलेगी, उस सफलता में खुशी होगी, वो सफलता हम सेलिब्रेट करने के लिए हमारा परिवार, हमारे दोस्त, सब कुछ हमारे साथ होंगे। ये फिल्म, जैसे अन्ना जी ने कहा कि सच में हमने 3 साल काफ़ी मेहनत की, मुझे मेरे टीम ने बहुत सपोर्ट किया। क्या कहूँ टीम के बारे में, मेरे कैमरामैन सुरेश जी, एडिटर संजय सांकला, मेरे हमेशा शीतल जी है जिन्होंने मुझे हमेशा प्रेरित किया कि यार अन्ना जी की फिल्म आपको बनानी चाहिए, अनिरुद्ध मुझे हेल्प किया, मेरे सारे टेक्नीशियंस, शरद जी आज यहाँ बैठे हैं। मैं क्या कहूँ, जितनी मेरी उम्र है उससे ज़्यादा फिल्में शरद जी ने की है। जब शरद जी कहते हैं कि सर आर यू हैप्पी, तो मुझे लगता है ये भी एक देश सेवा है। एक नौजवान को आप प्रेरणा देते हो, ये भी एक देश सेवा है। मैं दया सर को देखता हूँ, अपना काम स्क्रिप्ट लिए पढ़ा और निकल गए, ये भी एक देश सेवा है कि आपने अपने वजह से किसी को तकलीफ नहीं दी। तनिषा ऑलवेज ऑलवेज हेल्पिंग, कि सपोर्टिव, कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो रियली ये एक प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन आप मुझे बेयर करना, मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ इन सबको, इन टेक्नीशियंस को, मेरे एक्टर्स को, कि इन्होंने मुझे हेल्प की। हमने सपने देखे, लेकिन उसमें रंग भरे हमारे मनिंद्र जी ने। मनिंद्र जी के पास मैं गया कि सर, क्योंकि मैं इस फिल्म में प्रोड्यूसर नहीं चाहता, मैं ऐसा प्रोड्यूसर चाहता हूँ जो अन्ना जी के साथ जब बैठे तो अन्ना जी को कहीं तकलीफ ना हो, वो न्याय मिले वो। और मनिंद्र जी भी देखिए, दादा 180 फिल्म किया, लेकिन उन्होंने कभी प्रोडक्शन में नहीं आए। उन्होंने कहा कि बिकॉज ये फिल्म अन्ना जी पे है, इसलिए मैं ये फिल्म करना चाहता हूँ। सर मैं आज तक कभी आपको थैंक यू नहीं बोला, लेकिन मैं यहाँ ऑन स्टेज आपको थैंक यू कहता है कि आपने अन्ना जी की फिल्म को जो हमें सपोर्ट किया, उसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। दोस्तों, आज एक व्यक्ति को बहुत सच में दिल से मैं भूल रहा हूँ, बहुत याद कर रहा हूँ, रविंद्र जैन जी। अन्ना एक साल पहले की बात है, दादा के पास गया था। इतने बड़े व्यक्तित्व, मुझे तो मुंह से निकल भी नहीं रहा था कि मैं उनसे गाने में क्या बोलूँ। इतना बड़ा व्यक्तित्व कि मैं उनके सामने बहुत छोटा हूँ, उनके सामने क्या सोचूँ। लेकिन उन्होंने अपने सर से हाथ मेरे सर पे रखा और बोला, हाँ शशांक क्या चाहिए, तुम तो बहुत होशियार हो। इतना इनकरेजमेंट था कि मैं दादू के साथ बैठते गया। दादू हमेशा कहते थे, शशांक ये फिल्म बहुत चलेगी, दादू आप हमारे साथ ही है, आपका आशीर्वाद इस फिल्म को बहुत ऊंचाई पर ले जाएगा। मैं दिव्या भाभी आपको बहुत शतशा नमस्कार करना चाहूँगा कि आप हमेशा उनका हेल्पिंग हैंड रहे। प्लीज़ एक बार आइए, बिल्कुल मतलब प्लीज़ आइए एक मिनट, प्लीज़ 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 भाभी। नहीं नहीं प्लीज़ आइए प्लीज़। तो आज दादा आपको बहुत याद कर, दादा ने बहुत ही सुंदर गाने हमारे फिल्म में दिए। यहाँ पर बढ़िया। और सबसे आखिरी मैं अन्ना जी का धन्यवाद कहना चाहूँगा। अन्ना जी, आपने मुझे एक मौका दिया कि मैं एज ए लेखक दिग्दर्शक तो सफल हो गया। थैंक यू, बहुत बहुत। एक नाम ज़रूर ऐड करूंगा जिसके बिना मेरा भी जीवन अधूरा है, मेरे माता पिता यहाँ सामने बैठे हैं, मेरी बीबी है, हमारा स्ट्रगल इनके बिना हमेशा अधूरा होता है। थैंक यू। शशांक जी के माता पिता को हम नमन करते हैं और
आदरणीय रविंद्र जैन जी ने इस फिल्म का गीत संगीत दिया था। उनके लिखे अल्फाज थे कि मैं जर्रा हूँ इस भूमि का, बस यही है मेरी भूमिका। उन्होंने उस भूमि पुत्र ने एक और भूमि पुत्र को, एक समाजवादी को, गांधीवादी को अपने संगीत से, अपने गीत से सलाम पेश किया, नमन किया। और दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगी थोड़ा सा कि मैं जुहू एरिया की एक्टिविस्ट भी हूँ, तो मुझे खुद मौका मिला था जब अन्ना जी का आंदोलन चल रहा था पूरे देश भर में, हमें भी मयंक गांधी के साथ आज़ाद मैदान में आंदोलन में हिस्सा लेने का और जेल भरने का मौका मुझे भी मिला था। तो आज आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहे। और इसी बात के साथ मैं बुलाना चाहूँगी आदरणीय पद्मश्री, पद्म विभूषण हमारे प्रिय अन्ना हजारे जी, हमें आशीर्वाद दीजिए। उपस्थित आदरणीय मनेंद्र जैन साहब, उनके साथ आए हुए जैन परिवार के सभी भाई बहन, जिन्होंने मेरी भूमिका की वो उदयपुरकर जी, और यहाँ उपस्थित सभी कलाकार भाई बहन, मेरे सामने बैठे हुए सभी आदरणीय व्यक्ति, सभी प्रेस के आए हुए भाई बहन, और सभी को मैं पहले नमस्कार। अभी अभी उदयकर जी ने कहा कि रामलीला मैदान में अन्ना जी का भारत माता की जय जो आवाज़ निकला और उससे पूरा देश जाग गया, उसका कारण क्या था? 25 साल के उम्र में मैंने तय किया था, यंग था मैं तय किया था कि अभी आगे के लिए जब तक जीऊँगा मेरा गांव, मेरा समाज और मेरे देश की सेवा करूँगा, और जिस दिन मैं मरूँगा तो गांव, समाज और देश की सेवा करते करते मरूँगा, ये मैंने व्रत लिया। इसके कारण वो अंदर से जोश निकलता है कि राष्ट्र भावना, पूरा जीवन मैं अपने देश के लिए न्यौछावर कर दिया था। आज भी मुझे वही जोश है, मेरा उम्र है 79, आज भी देश में घूमता हूँ, लोगों को जगाता हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि मनेंद्र जैन साहब ने जो प्रोड्यूसर के नाते में अपनी भूमिका बताई, और उदयपुरकर जी और सब कलाकारों में इसने जो हिस्सा लिया, उससे आज प्रत्यक्ष जमीन पर हम लोगों ने जो काम किया, 12 साल में 8 लाख लोग आ गए वहाँ देखने के लिए, देश के हर हिस्से से, विदेश के 12 साल में 8 लाख लोग आ गए, उसको देखा, प्रेरणा ली, कुछ ना कुछ काम करने लगे। आज ये फिल्म के कारण अभी वो आंकड़ा जो है 8 लाख, वो सीमित नहीं रहेगा, देश के 125 करोड़ और विदेश के भी लोगों तक ये सब मैसेज चला जाएगा, ये सब मैसेज चला जाएगा कि ऐसे बन सकता है, असंभव नहीं है। हर जगह पर ऐसे काम खड़ा हो सकता है, असंभव नहीं है, लेकिन क्या करना पड़ेगा? लीडरशिप। कौन लीडरशिप? जिसका चारित्र शुद्ध है, शुद्ध आचार है, शुद्ध विचार है, निष्कलंक जीवन है, जीवन में दाग नहीं होना कोई। अगर दाग लग गया तो एयर कंडीशन कमरे में भी नींद की गोली लेकर सोना पड़ता है। इसलिए बेदाग जीवन, कार्यकर्ता का जीवन बेदाग होना, शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन, जीवन में थोड़ा त्याग, ये भारत की भूमि हमेशा हमें संदेश दे रही है ऋषि मुनि से
कि समाज और देश के भलाई के लिए किसी ना किसी को त्याग करना पड़ता है। खेती में जवार बाजरा मक्का दाना से भरा भुट्टा नजर आता है ना खेती में, ये कब नजर आता है? पहले एक दाना को त्याग करना पड़ता है। एक दाना अपने आप को जमीन में मिटा लेता है तब भुट्टा नजर आता है। ये मैसेज अभी जाएगा इस फिल्म के कारण कि किसी ना किसी को एक दाना बनना पड़ेगा। अगर दाना नहीं बन गया तो वही दाने चक्के में जाते हैं, पीसते हैं और उनका आटा बन जाता है। तो आटा बनना या जमीन में जाना, मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे काम हो सकता है शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन, जीवन में त्याग और इंसल्ट पीने की शक्ति होना, अपमान। हमारे बारे में कोई हमारी निंदा करते उसको पीना पड़ेगा, उसको पीना पड़ेगा। देखो मैं 30 साल से पी रहा हूँ, इसके कारण ये काम खड़ा हो गया है। क्या है मेरे पास? सोने का एक बिस्तर है, खाने का प्लेट है, बस। मंदिर में रहता हूँ, गांव में मेरा घर है। 40 साल हो गया घर में जाकर, फिर से घर में नहीं, त्याग। मेरे भाई के बच्चों का नाम क्या है मुझे पता नहीं। करोड़ रुपए की योजना आप नहीं, बैंक बैलेंस नहीं। मुझे करोड़ रुपए के अवार्ड मिल गए, उसका भी ट्रस्ट बना दिया। उससे जो इंटरेस्ट आता है, दुखी पीड़ित लोग हैं उनके सेवा में लगा देता हूँ। आज है सिर्फ सोने का बिस्तर और खाने का प्लेट, बस। आनंद इतना है, आनंद। लखपति करोड़पति को भी नहीं मिलता होगा, वो मैं अनुभव कर रहा हूँ कितना आनंद है। और ये सब लोग दौड़ रहे आनंद के लिए, सब दौड़ रहे आनंद के लिए, दौड़ रहे आनंद के लिए। और एयर कंडीशन में नींद की गोली लेकर सोने वाले लोग कम नहीं है। आनंद वहां है। सभी संतों ने कहा आपको सुख चाहिए, आपको आनंद चाहिए, तो पहले दूसरों को सुखी करो। मैं क्यों कहने जा रहा हूं, ऐसे गांव खड़े होंगे लेकिन वो लीडरशिप जिनके जीवन में एक गुण है। अभी देखो मेरा एज हो गया 79 चल रहा है, इतना भी दाग नहीं लगने दिया, इतना भी। 25 साल की उम्र में मुझे लगा कि शादी कर लूं तो चूल्हा जलाने में समय बीत जाएगा, फिर मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने तय किया कि शादी नहीं करना। और आज मेरी उम्र हो गई 79 ईयर। अभी मैं अनुभव क्या कर रहा हूं, सिर्फ शादी नहीं किया लेकिन परिवार छोटा नहीं, छोटा परिवार करना था वो बड़ा हो गया, ये सब मेरा परिवार हो गया। छोटे परिवार में क्या करना था, 2 बच्चों को जन्म देना था बस। आज तो हजारों बच्चे ग्रेजुएट बन जाएंगे, सब मेरे हैं, ऐसे मैं मानता हूं। मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे काम, ये फिल्म देखने के बाद जब कहीं युवकों को प्रेरणा मिलेगी, कहीं कार्यकर्ताओं को प्रेरणा मिलेगी, वो प्रेरणा से उनमें यही मैसेज जाएगा कि चारित्रशील कार्यकर्ता होना, आचार विचार शुद्ध होना, जीवन निष्कलंक होना। क्यों करना ये, तो महात्मा गांधी कहते थे देश को बदलना है तो पहले गांव को बदलना पड़ेगा, जब तक गांव नहीं बदलेगा तब तक देश नहीं बदलेगा, गांव को ही बदलना पड़ेगा। क्या बदलना है कि गांव का लोग, गांव के जो लोग हैं वो ये सोच रहे कि मैं खुद के लिए जिंदा रहूंगा, कि लेकिन मेरे पड़ोसी है, मेरा गांव है, मेरा समाज है, मेरा देश है, इनके लिए भी मेरा कुछ कर्तव्य है। ऐसी धारणा जिनकी है वो आदमी, ऐसे आदमी जब तक खड़ा नहीं होगा। ऐसे गांधी जी क्यों कह रहे थे, इसका कारण है आज हम लोग जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, पूरा दोहन कर रहे हैं, दोहन, शोषण, प्रकृति का शोषण कर रहे हैं, मानवता का शोषण कर रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, रॉकेल, कोयला, पानी पूरा खींच रहे, खींच रहे, खींच रहे। ये शाश्वत डेवलपमेंट नहीं है, ये गांधी जी कहते थे।
ये कभी ना कभी विनाश होगा। सही डेवलपमेंट जो करना है तो पेट्रोल डीजल रॉकेल कोयला इसको ज्यादा मत जलाओ। जितना ये जल रहा है उससे कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण हो रहा है, जितना कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण हो रहा उतनी बीमारियां बढ़ रही है, उतना टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर के कारण बर्फाच्छादित पर्वत पिघल रहे हैं, समुद्र की लेवल बदल रही है। हमें ऐसा लग 1200 साल कुछ नहीं होगा, लेकिन साइंटिस्टिक वैज्ञानिक वो कह रहे हैं आगे आने वाले 80-90 साल में ये समुद्र अपने लेवल बदल देगा और समुद्र के किनारे पर जो शहर है उनके लिए खतरा निर्माण होगा। तो इसके लिए क्या पर्याय है? ये पर्याय है, ये फिल्म अभी जो बन रही है ये पर्याय है। रालेगन सिद्धि में लोगों ने 3 लाख पेड़ लगाए हैं, बाहर का टेम्परेचर 46 डिग्री जो बाहर का टेम्परेचर है तो रालेगन सिद्धि का टेम्परेचर 31 डिग्री। इतना फर्क है, इतने पेड़ लगाने के कारण ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है पूरा साइलेंसर पाइप से निकल रहा कार्बन डाइऑक्साइड, कोयला जला रहे, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये पेड़ ले लेंगे और हमें जो ऑक्सीजन लगता है वो हमें दे देंगे। इसलिए ये मैसेज जाएगा, ये फिल्म से कहीं मैसेज जाएंगे, लेकिन ये महत्वपूर्ण जो मैसेज है ये मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं। मुझे तो एक प्रश्न पड़ा है कि जैसे मनेंद्र जी ने आधी फिल्म तक मुझे पता नहीं कि प्रोड्यूसर है वो खर्चा कर रहे, मुझे पता नहीं। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, क्यों? रविंद्र जैन जी के भाई है ना जिन्होंने रामायण लिखा है, तो ये उन्होंने ये प्रोड्यूसर और ये उदयपुरकर जी 2 साल लगे स्क्रिप्ट लिखने में, एक बनाया गांव वालों को पूछा फिर बदल दिया, फिर लिखा फिर पूछा फिर बदल, 2 साल स्क्रिप्ट बनाने में गए। और आज मुझे एक महत्वपूर्ण लगता है कि मैं जहां बर्फ में रहता था फौज में जब था 7 साल मैं बर्फ में रहा, बर्फ में इन्होंने -15 डिग्री बर्फ में जाकर शूटिंग किया, मैं जहां रहता था हिमालय में वहां जाकर शूटिंग किया है। ये इतना मेहनत किया, मैं जो खेमकरण के बॉर्डर पर मैं लड़ा, यहाँ गोली है पाकिस्तान की निशान, वहां पर जाए गए वहां पर शूटिंग किया, मिजोरम में मैं वहां पर भी मेरे ऊपर एक ऐसी मुसीबत आ गई थी मैं बच गया, वहां जाकर शूटिंग किया। इतना तकलीफ उठाया, ये फिल्म है काल्पनिक नहीं है, कल्पना करके स्क्रिप्ट कल्पना से लिखा और उसकी फिल्म बन गई ऐसा नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, जो जमीन पर हुआ है उससे ये फिल्म बनी है, इसके कारण इसको वेटेज बहुत आ जाएगा ये प्रैक्टिकली होने के कारण। तो मैं ज़्यादा ना कहूँगा, फिर से एक बार मनेंद्र जैन साहब सभी कलाकार इनको मैं धन्यवाद देता हूँ और आप सबके लिए भी शुभकामना व्यक्त करता हूँ, रुक जाता हूँ। जय हिंद भारत। आपने हमें आशीर्वाद दिया और आपने को आपके विचार को शशांक जी ने पर्दे पर दिखाया और इसे प्रचारित प्रसारित करेंगे हमारे मीडिया के भाई बहन, ताकि ये फिल्म बहुत आसमान को छुएगी, बहुत सक्सेसफुल रहेगी। एंड आर फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया एंड द प्रेस हु हैव बीन रियली वेटिंग फॉर मोर देन एन आवर, वी रियली अपोलोजाइज फॉर द डिले, put it on, blame it on the rain god for some time. We will open the session for question and answers. Can we have one more mic, please? अबे क्या लेकर आ जाओ? तो मैं घर में गया तो माँ को बताया, माँ मेरे से गलती हो गई, मैं झूठ बोला है टीचर को,
अभी मैं ऐसा करता हूँ, आज मेरा गृह पाठ पूरा करके मैं टीचर को कल दिखाऊंगा, लेकिन आपने कहना कि ये किशन घर में आया था कुछ महत्वपूर्ण काम के लिए, मैंने उसको दूसरी जगह रो भेजा था। माँ बोली, गलती आप करता है और मुझे झूठ बोलने के लिए कहता है? मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी, तू गलती किया? तो माँ को मैं बोला, अगर आप नहीं बताया कल तो मैं स्कूल में नहीं जाऊंगा, मेरी बदनामी हो जाएगी। तो एक माँ क्या कर सकती है? देखो ये कृष्ण है ना, कृष्ण छोटा था, माखन खाया था, मुंह में लगा था, और फिर भी कह रहा है मैया मैंने काम इसमें आ गया है। धन्यवाद अन्ना साहेब। एक बहुत महत्वपूर्ण जल लोकपाल बिल का भी जिक्र किया इस फिल्म में होगा, और क्या अरविंद केजरीवाल की भी इसमें भूमिका दिखाई जाएगी? अरविंद जी भूमिका है, अरविंद जी की भूमिका भी इसमें दिखाई जाएगी आपके साथ जो? नहीं, वो तो मैं अभी फिल्म पूरा देखा नहीं है, लेकिन अरविंद की भूमिका होगी नहीं होगी मुझे पता नहीं, लेकिन अभी अरविंद का मेरा कोई इतना ताल्लुकात नहीं रहा, वो पार्टी में चला गया और मैं अपना संघर्ष में रहा है। मेरा रास्ता है संघर्ष का, समाज और देश के भलाई के लिए संघर्ष करते रहना, गांधी जी का मार्ग वो रास्ता मैं अपना है। इसलिए तो मैं ग्राम विकास और विकास में लगा पॉपुलेशन करप्शन का, उसको रोकना दो, एक ही सिक्के के दो बाजू है, करप्शन और डेवलपमेंट, ये दोनों बातें मैंने अपनाया। उनको क्या करना वो करेंगे, उसका मैं सोच नहीं करता। धन्यवाद अन्ना जी। अन्ना जी आपको पता था कि आप एक कदम देश के लिए चल रहे हैं, आज आपके लिए करोड़ों लाखों कदम आपके लिए चल पड़ रहे हैं, आप इसके बारे में बताएंगे? एक कदम आप समाज देश के लिए चले, एक कदम आपने समाज के लिए कदम आगे बढ़ाया, आज आपके लिए पूरा देश हजारों लाखों करोड़ों कदम चल पड़ा है, इसके बारे में? बिल्कुल आज ये पूरा देश, बीच में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, पूरे देश के मैसेज आ रहे थे, अन्ना जी कैसी है तबीयत, आपकी तबीयत कैसे है, संभालना तबीयत को, पूरे देश के लोग फोन कर रहे थे, मेल कर रहे थे। तो आज देश जो खड़ा है उसके भरोसे पर तो मैं आज भी आंदोलन करते जा रहा हूँ। अभी जल्दी से जल्दी लोकपाल बिल नहीं आया तो फिर से एक बार रामलीला मैदान अन्ना करता रहूंगा। अन्ना जी आपके लिए एक बहुत प्यारा शेर है, अन्ना जी आपके लिए शेर है कि दिल्ली से बोला लाल किला, दिल्ली से बोला लाल किला, लाया हूं ऐसी चिंगारी, दिल्ली से बोला लाल किला, लाया हूं ऐसी चिंगारी, जिसके आगे दो चार नहीं सौ सौ सूरज है बलियारी। अन्ना जी आपके सामने रितेश ईटीवी से आपसे सवाल है कि आपने अभी भी कहा कि मेरा अरविंद केजरीवाल से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट में जिस तरह के स्कैम्स की आजकल प्रेजेंट हो रहे हैं और जिस तरह से विधायकों की गिरफ्तारी हो रही है, तो आप क्या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, जिसको कि आपने ही उपजाया था, जिसको आपने ही पैदा किया था, क्या कोई ऐसा एक्शन लेंगे, क्या कोई वहां धरना प्रदर्शन करेंगे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ? मेरा सवाल आपसे है, आप अन्नाचरे क्यों नहीं बनते? सर मैं बनने के लिए रेडी हूँ, वो अलग परसेप्शन है, लेकिन मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि क्या आप कोई एक्शन लेंगे अरविंद केजरीवाल के प्रति? नहीं नहीं, मेरा सवाल वो है कि आप अन्ना हजारे क्यों नहीं बनते? एक अन्ना हजारे को सब अन्ना हजारे ने करना चाहिए, ऐसा क्यों लगता है? चलिए ठीक है, थैंक यू सर। शशांक आपसे सवाल है, जिस तरह का पोस्टर बैकग्राउंड आपने दिखाया है, इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की भी भूमिका होगी, तो आप बताएं क्या है इस फिल्म में भूमिका उनकी, क्या है वो प्रेजेंट है? नहीं मुझे पता नहीं, मैं कभी ये सोचता नहीं है, पॉलिटिक्स वालों के तो बारे में बिल्कुल सोचता। अन्ना जी मैं आरके प्रशांत वर्मा पूछ रहा हूँ कि अब की बार आंदोलन में अपनी छतरी ले जाएंगे, उस छतरी के नीचे और दूसरे कैरेक्टर जैसे किरण बेदी केजरीवाल या दूसरे लोग जो आपकी छतरी के नीचे बैठ करके अपनी छतरी तान दी, आप इसका प्रिकॉशन रखेंगे आगे? ये मुझे क्या पता था ये छतरी के नीचे कौन कौन आएगा, मुझे पता ही नहीं था, मैं तो ईमानदारी से चल रहा था समाज और देश का उज्ज्वल भविष्य रखकर।
अरे छत्री के, छतरी के नीचे कौन आएंगे ये मुझे क्या पता था, पहले अगर पता होता तो छतरी से बाहर रख देता। तनिषा आपका किरदार शाजिया इल्मी से कितना इंस्पायर्ड है? ये आपको डायरेक्टर से पूछना पड़ेगा क्योंकि ये भी लेखक है। मैंने किसी को एग्जैक्टली एक शख्स को देखकर या स्टडी करके अपना किरदार नहीं निभाया है, मैंने सारे जर्नलिस्ट को देखा टीवी पे एंड यू नो स्टडीड ऑल देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उनके थ्रू इंस्पायर हुई हूँ, सिर्फ एक के थ्रू नहीं। एक बात ऐड करना चाहूँगा, ये पहले बार आप एक ऐसा कैरेक्टर देखेंगे प्रेस रिपोर्टर का जिसमें इमोशंस भी है, बिकॉज रामलीला मैदान का वो वक्त था वो जब मैंने देखा, हमेशा मैं प्रेस रिपोर्टर्स को देखता हूँ कि वो ब्रेकिंग न्यूज़ के घेरे में होते हैं। अभी भी आप सब अन्ना जी से ब्रेकिंग न्यूज़ निकालने के लिए ही सवाल पे सवाल दागे जा रहे हैं, लेकिन वो एक वक्त आ गया था रामलीला का छठवें या सातवें दिन से जब सारा हिंदुस्तान सारी ब्रेकिंग न्यूज़ के हटके सिर्फ देश की बात करता था। हमारी जो प्रेस रिपोर्टर तनिषा का कैरेक्टर उस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जहाँ पे प्रेस रिपोर्टर अपना बिजनेस भूल के सिर्फ देश के बारे में बात कर रहा था, एंड आई फील प्राउड फॉर दोज मोमेंट्स फॉर ऑल प्रेस पीपल्स। थैंक यू। आई नो सर, लेकिन वो दिखाते नहीं ना। नहीं, दैट इज नॉट, मैं बोल रहा हूँ कि इट्स अ वेरी, नहीं नहीं मैंने बोला कि इसमें हमने उनका इमोशनल पहलू भी दिखाया है। एड प्रेस करेक्ट, वेरी गुड। सो दिस इज द इंटीग्रल, तनिषा'स कैरेक्टर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर फिल्म। यस सर, यस सर, बिकॉज वरना वो आंदोलन पहुंच ही नहीं पाता लोगों तक। तो बिल्कुल देश कदम चलेंगे। राइट, वेरी रोज, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीछे पीछे और लोग पूछना चाह रहे हैं। कैन यू पास द माइक, हु इज गॉट द माइक देयर? किसके पास माइक है? ओके, शशांक जी, आपको क्या बेस्ट अच्छा लगा पिक्चर में? खुद सर, ये तो जो आपने अभी कहा वही आप जज करके मुझे। मैंने सर अभी बहुत देर तक मैंने इसी बारे में बोला कि बेसिकली सब लोग देखना चाहेंगे, जैसे सवाल पूछ रहे कि अरविंद जी है या नहीं या कौन है। मैं ये अन्ना जी को, अन्ना जी का एक बायोपिक, अन्ना जी की लाइफ, जब अन्ना जी रामलीला मैदान पर खड़े हुए तो ऐसा क्या जादू हुआ कि सारा देश उनके साथ खड़ा हो। वो जो बॉडीली या उनके वॉइस में या उनके चेहरे में जो सच्चाई थी वो इतने आसानी से आती नहीं। वो कहाँ से आई वो चीज़ें, उनका जो भी पावर था वो कहाँ से आया, वो पावर मैं रामलीला तक, बिकॉज़ ये जर्नी रामलीला से शुरू होती है सर, रामलीला में ख़त्म होती है। लेकिन रामलीला में जब अन्ना जी कुछ बातें करते थे, वो बातें अन्ना जी ने अपने जीवन में कहाँ से सीखा, जैसा एक इंसिडेंस अन्ना जी ने मम्मी का बताया, उनके मदर का बताया था, वैसे ही वो कहाँ से सीखते गए और फिर उसको कभी गलतियाँ दोहराई नहीं और अच्छा ही पॉजिटिव करते गए। तो अभी बाकी तो आप ही जज करेंगे, मेरा पहला प्रयास है, आप ज़्यादा बेटर जज कर पाएंगे कि मैं कहाँ सही हुआ कहाँ गलत हुआ। मतलब दर्द किस मामले में? हाँ, वो हमने, मुझे लगता है वो हमने बहुत अच्छे ढंग से निकाला इस फिल्म में। और वो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि जो स्ट्रगल अन्ना जी ने की है वो स्ट्रगल देख के, मतलब यही हमारी फिल्म का मैसेज भी यही है कि जब आदमी अकेला अपने बारे में छोड़ के देश की चिंता या समाज की चिंता करके जब जाता है ना, तो सारी दुख तकलीफें भूल के वो करते जाता है। अब वो सारी तकलीफ़ें अन्ना जी ने मिलिट्री से आने के बाद जो भी, फिर वो गांव के डेवलपमेंट के लिए हो, पानी के डेवलपमेंट के लिए हो, रालेगन के उत्थान के लिए हो, या तो उसके बाद में भ्रष्टाचार के विरुद्ध हो, भ्रष्टाचार जब होने लगा तो उनको ऐसा लगा कि कानून बहुत कमज़ोर है तो कानून बनाने के लिए हो, ये सारा एक सीरीज़ में हमने प्रॉपर दिखाने की कोशिश की है, आप जज करिएगा। अन्ना, ओके, वी'ल टेक जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन। अन्ना, लास्ट क्वेश्चन जी। अन्ना, मैं NDTV से हूँ, आपसे सीधा सवाल ये करूंगा कि आपने अब तक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी है, जिस राज्य में मौजूदा हालात में आप अपना काम कर रहे हैं उस राज्य के करीबन आधा दर्जन से ज़्यादा मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे हैं। महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार के इन तरीके से मंत्रियों के भ्रष्टाचार के आरोपों को झेलते हुए कुर्सी पर बने रहने की बात को आप कैसे देखते हैं?
अगर उनके सबूत मेरे हाथ में आप देते हैं तो कल से आंदोलन शुरू करूंगा। प्रूफ के बिना कैसे बोल सकते हैं? अगर आप प्रूफ देते तो मैं आंदोलन शुरू कर दूंगा, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है। ओके दैट्स इट। ओके ऐसा जीवन जिए कि बायोपिक बन जाए आप पर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन एंड मीडिया, द फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया, इसके बाद अगर आपको 1-to-1 लेना हो तो प्लीज रुके रहें, वी विल हैव अ फोटो सेशन, ओनली देन वी वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कम। मैं दादू सेना के सारे सिंगर्स को स्टेज पर जल्दी से बुलाना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी टू बी हियर एंड गिविंग अस ब्लेसिंग्स। अन्ना जी ने हमें प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। बाकी बड़े पर्दे पर द राइस पिक्चर्स प्रोड्यूस्ड बाय मनिंदर जैन जी, अन्ना, दादू सेना। ओके दिस इज द दादू सेना। कैन वी हैव अ पिक्चर विद द दादू सेना? आई थिंक द एंकर शुड ऑल्सो कम। नो I'm not that tall. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए हम लोगों ने चाय और उसके साथ थोड़े नाश्ते की व्यवस्था की है, सभी लोग लें। और मीडिया के जो भाई हैं वो अच्छा लिखें, उनके लिए भी मैंने कुछ व्यवस्था की है, तो वो जरूर उसको लेकर के जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।